अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रात आपने वीडियो देखी होगी, पानी लगा रहे थे हम, तो अभी मैं आया हूँ फ़िलहाल, चूँकि यहाँ पे पानी लगा हुआ है तो देखने आया हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग चुका है रात, और चारे को भी लग गए, सारी गंदम जितनी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह सभी को लग गए, और ये जगह हमारी रह गई है, इसको अभी फ़िलहाल हमने पानी नहीं दिया है, ये जो आगे मुकम्मल रहती है। और ये जो लहसुन है इसको भी लग गया, और बाकी ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग गया है। तो मौसम आज बहुत ही प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा है, और मेरा मूड भी आज बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ आज के दिन के, जो कि मैंने कैप्चर किए हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बाकी तो सारे पानी लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाली जगह हमारी रहती है, इसको पानी नहीं दिया था, और चूँकि आम के पत्ते भी जड़ रहे हैं तो सारा नीचे गंद पड़ रहा है, तो इसको रात मैंने हल्का हल्का पानी दिया था, लेकिन चूँकि नीचे वाली ज़मीन खुशक थी इसलिए ये खुशक हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब खाल में थोड़ा सा पानी बाकी है, पीछे से लेके आना पड़ेगा, तो लेके आते हैं इंशाल्लाह, देखें और इन्जॉय करें। तो पहले मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई है अभी, तो पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी जाने का रास्ता मैंने बना दिए, तो पानी जा रहा है अब इसके अंदर, क्योंकि खाल के अंदर अभी पानी कम है, तो पीछे से छोड़ते हैं इसको, यहाँ से छोड़ता हूँ इंशाल्लाह मैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आना शुरू हो गया है काफ़ी तेज़ रफ़्तार से। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ क्यारी भर भी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग चुका है, आगे से बंद कर दिया मैंने, और ये थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ से भरा है बोतल में, ताकि हम अपने दूसरे पौधों को लगा सकें। यहाँ पर पानी आया तो था खाल में, लेकिन फिर भी क्योंकि ऊपर पानी नहीं आया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसे भी पानी दे देते हैं, ताकि ये भी खुश्क ना हो। तो शाखें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन टी की दोबारा से निकल रही हैं नई शाखें, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। तो ये भी देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया अब तो, ये देखें माशाल्लाह शाखें काफ़ी ज़्यादा निकाल रहा है ये, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। तो ये रहा जी मेरे पास फालसे का पौधा, एक ही है, तो इसकी शाखें भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही हैं, और जो दूसरे पौधे हैं उनकी भी मैं आपको शाखें दिखाता हूँ, उनकी भी शाखें निकल रही हैं। ये जो उस दिन मैंने आपको पौधे दिखाए थे फूल, इनमें से तकरीबन उतर चुके हैं, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पत्ते इनके निकल आए हैं, रात इनको भी पानी दे दिया है ताकि अच्छे से ग्रोथ कर सकें। और ये नीम के पौधे हैं, इनके ऊपर भी माशाल्लाह शाखें निकल रही हैं, अब पत्ते निकल रहे हैं इनके, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये मैंने रखे हुए हैं स्पेशल, और इनकी कटिंग मैं बहुत ही बेहतरीन करता हूँ, इस दफ़ा मैंने नहीं की, पिछली दफ़ा इसकी मैंने कटिंग की थी, बहुत ही प्यारी की थी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतनी प्यारी इसकी छतरी टाइप छांव होती है ना, कि दिल खुश हो जाता है देख के। और ये जी हमारे पास अनार का पौधा, और इसकी भी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये भी। और गंदम के होशे देखें माशाल्लाह, हवा की लहरों के साथ मुझे मार रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुकम्मल तौर पे वो लास्ट तक जहाँ पर आपको मकान नज़र आ रहे हैं वहाँ तक लास्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गंदम है। तो देखें माशाल्लाह सभी के सीटें निकल आए हैं और साथ जितने भी लोगों की हैं गंदम तकरीबन सभी के ही सीटें निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हवा चल रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह।